तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। आप सबका फिर स्वागत मेरे चैनल पर। तो आज एक टॉपिक लेके आया हूँ, जैसा कि छोटे फिशेस के बारे में। अगर फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ फूड ढूंढ रहे हो, क्योंकि जब आप छोटे फिशेस को ब्रीड करते हो या उसको ब्रीड करवाने की कोशिश करते हो, तो छोटे फिशेस की बेबीज जो है बहुत जल्दी मर जाते हैं, क्योंकि उनको प्रॉपर फीड ना मिलने की वजह से। क्योंकि वो छोटे छोटे फिशेस होते हैं, उनको हम पैलेट तो दे नहीं सकते, वो पैलेट खाएंगे भी नहीं। पीस के डालेंगे तो पानी जल्दी ख़राब हो जाएगा, और उल्टा पानी ख़राब होने से फिशेस और मर जाती है। और एग रोल भी दे सकते हो, लेकिन वो भी थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड फूड होता है। लेकिन ऐसे लाइव फूड जो फिशेस को जल्दी बड़ा करे और फ्री ऑफ कॉस्ट को मिले। लास्ट टाइम मैंने एक वीडियो बनाया था, यहाँ पर लिंक आ रहा, दे सकते हैं, कि मैंने उसमें बताया था कि आर्टेमिया को किस तरह कल्चर कर सकते हैं आप अपने फिशेस के लिए, जो बहुत ही बेस्ट होता है। ब्रीडर्स लोग बहुत उसको पसंद करते हैं। इससे ब्रीडर्स लोग क्या करें, बेटा फिश को, कब्बिस को, जो कॉस्टली फिशेस होते हैं, उनको खिलाकर बड़ा करते हैं, जिससे कलरफुल होते हैं। तो आज हम दोबारा एक लाइव फीड लेके आए हैं, लाइव फीड का वीडियो लेके आए हैं कि कौन सा लाइव फीड दे सकते हैं फिशेस को, इवन छोटी फिशेस को लेकर बड़ी फिशेस को, जैसा कि मॉलिस है, गप्पीस है, प्लैटिस है, वीडियो डेट्रास है, जो मीडियम साइज की फिशेस होती हैं, इवन एंजल फिश को भी दे सकते हैं। बड़े फिशेस के लिए नहीं, जैसा कि आरोना ऑस्कर होते हैं, उनके लिए नहीं, बट के मीडियम साइज और बड़े फिशेस, मीडियम साइज और छोटे फिशेस के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट फूड आप घर में ही कर सकते हो, विदाउट एनी स्टार्टर, घर में ही बना के आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकते हो, जो हेल्थी होगा आपकी फ़िशेस के लिए। तो आज मैं लेके आया हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ फूड, जो आपको घर में ही बना सकते हो और फ्री में भी हो जाएगा, रुपया आपको स्पेंड नहीं करना पड़ेगा, जिससे आपकी फ़िशेस हेल्थी भी रहेगी, हैप्पी भी रहेगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो मैं स्टार्ट करता हूँ वहाँ से जहाँ से ये वीडियो मैंने स्टार्ट किया था। सबसे पहले करना क्या है, आपको एक पानी का डब्बा लेना है, एक पानी लेना है किसी डब्बे में या एक्वेरियम में डाल दो, थोड़ा बहुत पानी, ज़्यादा भी नहीं डालना है। उसके अंदर जो हम खा के रहते हैं छिलके, बनाना वाम्स हम बनाने जा रहे हैं, तो इसके लिए छिलके ज़रूरी है। आप सोच रहे हो कि छिलके का अंदर जो मॉस होता वो क्यों नहीं, वो तो ख़रीदना पड़ेगा ना, वो तो हम खा लेते हैं। हम इस वीडियो में बना रहे हैं फ्री में, मतलब छिलका खा के हम जो मॉस होता है उसको, जो हम केला कहते हैं, केला खा के जो छिलका होता है वो वेस्ट तो रहता है, फ्री में फेंक देते हैं, वो तो कुछ फ़ायदा नहीं है ना, फ्री हो गया। अगर आप छिलके के बीज का हिस्सा यूज़ करेंगे तो वो पैसा स्पेंड हो गया, तो हम आउट ऑफ स्पेंड की बात कर रहे हैं। तो उस छिलके को लेके आना है, आप सिंपल से एक डब्बे में लेना है, डब्बे में लेके कोई भी एक डब्बा जिसमें आप कॉम्प्लीट आराम से रख सकते हो 5-6 दिन के लिए, उसमें डाल देना है। डाल के थोड़ा अच्छा घोल के उसको बंद करके छोड़ दो, 6 दिन आपको छोड़ना है, 5 से 6 दिन इसके लिए छोड़ना है। जितना ज़्यादा टाइम रखेंगे इतने ज़्यादा वार्म्स होंगे, अगर 8 दिन रखोगे और ज़्यादा वार्म्स होंगे, अगर 10 दिन रखोगे और ज़्यादा वार्म्स होंगे, मतलब एक कल्चर होते रहेंगे, रिप्रोड्यूस होते रहेंगे। तो मिनिमम आपको वेट करना नहीं पड़ेगा, 5-6 दिन वेट करो, उसके बाद इस तरह के वार्म्स आ जाएंगे, दिखाता हूँ मैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर हल्के से, जैसा मैंने पहले डाला था, अभी तो यहाँ पर वार्म्स हो चुके हैं, तो देख सकते हैं यहाँ पर छोटे छोटे वार्म्स हैं जो तैर रहे हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। एक ही छिलका डाला मैंने, आप चाहे तो 8-10 छिलके डालेंगे तो और ज़्यादा हो जाएगा। और एक चीज़ का ध्यान रखो, जब ये घर पे रखते हो तो थोड़ा बहुत बदबू आएगी, तो इसलिए बेटर है कि ऐसे जगह पे रखो जहाँ पर लोग का रहना ज़्यादा ना हो, और सनलाइट अगर देते हो तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन सनलाइट की ज़रूरत नहीं है, विदाउट सनलाइट भी आप बना सकते हो। सिर्फ घर में एक छिलका एक डब्बे में या एक्वेरियम में डालो, उसके अंदर ये बनाना एक दो कितना चाहे, मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए एक डाला हुआ है, अब उसको डाल के थोड़ा घोल दो, 5 दिन के लिए छोड़ दो, 5 से 6 दिन के लिए छोड़ दो, उसके बाद इस तरह के वार्म्स नज़र आएंगे, देख सकते हैं यहाँ पर। अभी तो ये बनना स्टार्ट हुए हैं, आगे आगे और बनते रहेंगे ये, देखिए यहाँ पर। और ये छोटे फिशेस के लिए ही नहीं, बल्कि इस तरह के जो बड़े बड़े गप्पीस हैं उनको भी दे सकते हो, जो बड़े बड़े गप्पीस हैं उनको भी दे सकते हो, एंजल फिश को दे सकते हो, कोई भी फिशेस को दे सकते हो। और अगर आप सोच रहे हैं कि ये हार्मफुल है या कुछ प्रॉब्लम है, तो बिलीव करो ये बहुत ही ईजी है और हार्मफुल नहीं है, आप कोई भी फ़िशेस को दे सकते हो, फ़िशेस खाएगी आराम से, उसको न्यूट्रिशन भी मिलेगा इसके अंदर, वार्म्स के अंदर फ़िशेस को। ऐसा नहीं कि आप डाल के आने के बाद फ़िशेस ऐसा कुछ मरने के चांसेस, कुछ भी नहीं होगा, बहुत ही इजी हैं और हेल्थी फूड है आपकी फ़िशेस के लिए। थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा आपको, क्योंकि ये गंदगी से निकले हुए, एक बेकार चीज़ से निकले गंदे कीड़े हैं, लेकिन फ़िशेस के लिए ये फूड है। फिट करना किस तरह है मैं बताता हूँ, फिट करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। तरीका सबसे पहले देखिए, जो वार्म्स हैं उसको आप अलग कर लेना है, जो वार्म्स इसके अंदर बने हुए हैं वो अलग कर लो, देखिए इस तरह हो जाएगा। पानी इस्तेमाल नहीं करना है, पानी थोड़ा गंदा रहता है, इसलिए सिर्फ वार्म्स को अलग कर लो। देखिए वहाँ पर 2 वार्म्स आ गए मेरे पास, देख सकते हैं 2 वार्म्स हैं। अभी मैं गप्पीस को डालता हूँ, देखिए
खिलाता हूँ गपीस को। देखिए देखिए खा ली, नीचे जा रहा था तो फिशेस ने खा लिया उसको। तो इस तरह बहुत ही सिंपल है। अभी छोटे ज़्यादा एक ही छिलका डाला मैंने एक्सपेरिमेंट के लिए। आप इस तरह बहुत ज़्यादा छिलके डाल के फ्री ऑफ कॉस्ट आप कल्चर कर सकते हो विदाउट एनी स्टार्टर फिशेस के लिए, और ये सेफ है, आप टेंशन मत लो। मैं ऑलरेडी 2-3 बार फिशेस को फीड कर चुका हूँ, इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैंने बहुत सारा इसके बारे में जानकारी लेके ही मैंने बना रहा हूँ। तो कोई दिक्कत नहीं, अभी अपने फिशेस को आराम से दे सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, आपकी फिशेस नहीं मरेगी, और ये हेल्थी फूड भी है। देखिए हम पर कितने बन रहे हैं, ये हेल्थी फीड भी आपकी फ़िशेस के लिए। 6-7 दिन के लिए रख दो, थोड़ा बहुत इसमें लगेगा, ज़्यादा नहीं आएगा, इतना ज़्यादा नहीं आएगा कि आप रह नहीं पाओगे, थोड़ा बहुत आएगा। अगर उसके करीब जाओगे तभी स्मेल आएगा, दूर रहोगे तो स्मेल नहीं आएगा। तो इस तरह आप अपनी फ़िशेस को कल्चर करके फीड दे सकते हो, और स्पेशली जो बेबीज़ होते हैं, जो फिर बच्चे देते हैं फ़िशेस, उनके बच्चों के लिए बेस्ट फूड है, फ्री ऑफ कॉस्ट फूड, बहुत बेस्ट है आपकी फ़िशेस के लिए। जाइए अभी एक्सपेरिमेंट कीजिए। इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स आते रहेंगे आने वाले दिनों में। अभी आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में मैं मोइना कल्चर, मॉस्किटो लार्वा, इस तरह की बहुत सारी फीड के बारे में, फ़िशेस के जो फ्री ऑफ कॉस्ट आप बना सकते हो, माइक्रोवॉर्म्स, इस तरह की वीडियो लाता रहूँगा। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर देना चैनल को। इस तरह के बहुत सारे टॉपिक्स आते रहते हैं फ़िशेस के ऊपर। अगर वीडियो पसंद है ज़रूर लाइक कर देना, शेयर कर देना, इस वीडियो को दूसरों को भी शेयर करना, ताकि वो भी फ़िशेस को कल्चर करके फूड फ्री में दे। अभी लॉकडाउन पे चल रहा है तो लॉकडाउन के टाइम पे भी इस तरह की बना के दे सकते हो, या नॉर्मल टाइम पे भी आप बना के ब्रीडिंग के लिए इस्तेमाल कर सकते हो। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा, ज़रूर लाइक करना, शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्ते, गुड बाय, खुदा हाफिज़।